हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से एक मैंगो शेक बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंगो शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैंगो लेंगे। मैंगो के एक पीस को कट करके मैंने उसके बीच में कटिंग कर ली है। कुछ इस तरह से वो दिखने में बन जाएगा, जो कि मैंने डेकोरेशन के लिए उसको रेडी करके रख लिया है। बाकी का जो बचा हुआ मैंगो है, हम उसको भी पील ऑफ कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें जितना भी मैंगो है वो हम सारा निकालेंगे और मैंगो के बीज को हम अलग कर देंगे। सारे मैंगो को मैंने पीसेस में कट कर लिया है, बिल्कुल इस तरह से। अब जो मैंगो मैंने कटिंग करके बाउल में निकाला था, उसको हम ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल मैश कर लेंगे अच्छी तरह से, उसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब जो पेस्ट मैंने बना के रखी है, उसको एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे, या आप शेकर में भी निकाल सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, आप उसमें डाल के इसको मैश कर सकते हैं दूध के साथ। अब इसमें से मैं कुछ पीसेस और निकाल के इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और बिल्कुल ठंडा दूध डाल देंगे इसमें। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको शेक कर लेंगे, ताकि हमारा मैंगो, दूध और चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, हमारा शेक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं इसको डेकोरेट। मैंने एक गिलास ले लिया और उसके ऊपर से मैंने उसको चीनी के साथ डेकोरेट कर लिया है, और जो ग्राइंड किया हुआ मैंगो था वो भी मैं इसको डेकोरेट के लिए इसको गिलास के साइड में लगा दूंगी, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। अब मैंने
मैंने इसके ऊपर एक चम्मच आइसक्रीम डाला है और जो मैंने मैंगो के कुछ क्यूब्स कट करके रखे थे वो मैं इसको गार्निश के लिए ऊपर रख दूँगी। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और साथ ही में मैंने जो पेस्ट बना कर रखी थी वो भी मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दी है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी गार्निश के लिए इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंगो शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। कैसा लगा आपको मेरा ये मैंगो शेक बनाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पीछे मेरा जो भी काम खिला पड़ा है प्लीज़ उसको इग्नोर करना। थैंक यू सो मच।